कृष्ण को अनेक रानियां थी, ये बात वर्षों में कहाँ की है और संगम संगम किया है तो कैसे है? बता तो दिया, गीता में कृष्ण का नाम डाल सारा गड़बड़ कर दिया है। आत्माएं सब ब्राइट्स हैं, परमात्मा बाप ही ब्राइट ग्रूम है, बच्चे के लिए नहीं कहा जा सकता। बाबा सत्य साई बाबा है, जैसे मतलब सत्य साई बाबा जैसे आत्माएं है सभी, शरीर छोड़ने के बाद उनको जगाया नहीं जाता है, समझ रहे हैं? शरीर छोड़ने के बाद जगाया नहीं, मतलब उसको समझ नहीं है, तो आत्मा की क्या गति है फिर आगे? क्या समाधि समाधि दिया ना, तो उससे क्या होता है? आत्मा तो जन्म लेती है, उन्हें तो पता नहीं है, इसलिए उनका देहभान पूरा खलास हो जाता है क्या? कि जब शरीर छोड़ते हैं तो देहभान भरा रहता है, है? देवान और ज्यादा भर जाता है शरीर छोड़ते समय, यह देवान खलास हो जाता है, तो देवान जलता नहीं है और हम ब्राह्मणों का देवान जल जाता है, इसलिए हिंदुओं में क्या करते हैं? जलाते हैं, सन्यासियों में जलाते नहीं है, देवान को मिट्टी में दफन कर देते हैं, ये देवान की मिट्टी देवान में रह जाती है, इसलिए वो स्वर्ग नहीं पा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए तो स्वयं स्थिति चाहिए, देवान का नाम मात्र भी न रहे, देवान राख हो जाए जल करके, इसलिए सन्यासियों को जलाया नहीं जाता है। उसका जन्म तो होता है, जन्म लेते सन्यासी मुसलमान क्रिश्चियंस जिनको जमीन में गाड़ा जाता है वो क्या जन्म नहीं लेते? ऐसे ही दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, है? जन्म नहीं लेते, लेते हैं। इतना धन है तो आपका बचेगी ना? अरे धन कोई साथ में जाता है क्या? धन तो यही रह गया। और हाँ जी बाबा, अष्टावक्र ने जनक से आसक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ ले लिया है? अष्टावक्र ने जनक से आसक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ ले लिया, तो जनक कौन हुआ यहाँ? जनक ने ले लिया, अष्टावक्र ने जनक से आसक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ ले लिया। जनक ने जनक से अष्टावक्र ने ले लिया, हाँ। तो जनक कौन हुआ? जनक कहा जाता है प्रजापिता को, फिर अष्टावक्र भी बात है। जो अष्टावक्र है वो कृष्ण है, टेढ़ा दिखाया जाता है, कितनी जगह से टेढ़ा, राम वाली आत्मा को ढेर रानियां है या कृष्ण वाली आत्मा को ढेर रानियां है? आठ रानियां मुख्य हैं, जो आठ रानियां हैं वो और धर्मों की है, ये देवी देवता सनातन धर्म की है, और धर्मों से कनेक्टेड है, तो वो तोड़ फोड़ करेंगी या छोड़ देंगी? तोड़ फोड़ कर देती है, बेचारा टेढ़ा हो जाता है। और हाँ जी,
बाबा जी का सेवक प्रश्न है, तो इस सृष्टि पर तो सदा नाम तो शिव बाबा ही है, और लास्ट में प्रजापिता को भी एक सेकंड के लिए शरीर छोड़ के परमधाम जाना पड़ता है, तो एक सेकंड वो सृष्टि से कम हो जाती है। तो एक सेकंड अभी नहीं, ये देवान छोड़ के परमधाम में जाने की प्रैक्टिस हो रही है, अभी हो रही है कि नहीं? तो फिर अरे सेवा की फील्ड में तो ढेर सारे प्रश्न उठते हैं, क्या हुआ कागज चिपकाने की सेवा हो रही है क्या? वो तो मजदूरों को पैसा दे दो वो भी करेंगे। कागज चिपकाने की सेवा करने से मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा उतना, ऐसे चलेगा। वाचा की सेवा करने से मनन चिंतन मंथन चलता है। आदि में पवित्रता के कारण झगड़ा हुआ है, ऋषि आदि में। हाँ, पवित्रता के कारण ऋषि आदि में जो हल्दर का पाठ चला था, धोबीघाट जो चला है, अभी जो धोबीघाट का पाठ चल रहा है। आदि में तो अज्ञानता थी, पूरा ज्ञान था या नहीं था? पूरा ज्ञान नहीं था। जब पूरा ज्ञान नहीं था तो प्रजापिता वाली आत्मा भी अज्ञानी होने के कारण अज्ञानता जैसे कर्म करेगी या ज्ञानियों जैसे कर्म करेगी? अज्ञानता के कर्म थे। फिर अभी ब्रह्मा बाबा को हल्दर का पाठ कहा गया। ब्रह्मा की सोल की आदि की बात नहीं है, ब्रह्मा की सोल भी पतित कर्म करने वाली थी तो राम वाली आत्मा भी पतित कर्म करने वाली, क्योंकि दोनों ही अज्ञानी थे या एक अज्ञानी था? दोनों ही अज्ञानी थे। और आज में तो बाप का पार्ट कहेंगे, आज में तो बाप का पार्ट ही नहीं है फिर क्लियर। हाँ ये कहेंगे कि धोबी घाट तो आदि में भी था। और गीता पाठशाला में सुबह एक बार क्लास होता है, गीता पाठशाला में सुबह एक बार क्लास होता है, लेकिन वो टाइम पे कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, कोई पर्सनल रीजन से, यानी पांजलि माता रहेगी तो उनको घर से अलाउ नहीं रहता है निकलने के लिए, तो वो शाम को कोई और टाइम पे जाके मुरली सुन सकते हैं। माताओं को दोपहर को टाइम मिलता है, दोपहर का क्लास अटेंड कर सकती है? नहीं, क्लास एक ही बार होता है। जिज्ञासुओं की सुविधा के अनुसार भी क्लास रखा जाता है, या फिर वो माता जी शाम को क्लास के लिए जाते हैं तो साइन रजिस्टर में साइन कर सकते हैं। तो साइन करने से क्लास हो जाता है? नहीं, साइन बोले कि बाबा ने बोला है ना कि दो महीना क्लास का जो है वो नियम जो बताया है, इसीलिए साइन करके भागे हो? साइन करके भागे। बाबा मुरली तो सुनना ही है, मुरली भी सुनना है, संगठन में बैठ करके याद भी करनी है।
लेकिन क्लास नहीं हो रहा है बाबा शाम को, तो जाके फिर वो एक घंटा मुरली सुन सकते हैं क्या वो गीता पाठशाला? क्योंकि वो गीता पाठशाला निमित्त जो रहते हैं वो थोड़े बहुत बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल से या क्या, तो शाम को क्लास ना भी हो यानी वो क्लास तो है ही नहीं, तो सॉल्यूशन चाहिए बाबा उसके लिए। तो जो भी जिज्ञासु हैं उनकी सहमति से क्लास का टाइम निश्चित कर लेना चाहिए जो सभी को सुविधा हो जाए। ये रामदेव बाबा ने जो आंदोलन छेड़ा है काला धन के बारे में, हाँ यहाँ ज्ञान में बेहद में क्या अर्थ है? यह काला धन के बारे में ये आंदोलन नहीं है क्या? कृष्ण का नाम लिखने से काला धन हुआ है? गीता में कृष्ण का नाम लिखने से काला धन हुआ है? हाँ तो बाहर निकालो बात को। लेकिन उनका ये कहना है कि काला धन विदेश में है भारत का। हाँ काला धन विदेशी, विदेशी ज्यादा मनन चिंतनशील है या भारतवासी ज्यादा मनन चिंतनशील है? बाबा मुझे में आता है बिंदी का नाम क्यों है? हाँ हाँ जी बिंदी का नाम कैसे साबित होता है? बिंदी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है इसलिए कल्याणकारी है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकते, वो ज्ञान उनका सारा भूल जाता है। ज्ञानी की जगह अज्ञानी बन जाते हैं। जो अज्ञानी हैं वो कल्याणकारी होंगे? वो कल्याणकारी नहीं हो सकते। शिव माना ही कल्याणकारी, इसलिए मेरी बिंदी का नाम ही शिव है। लेकिन शिव नाम तो शिवलिंग से भी जुड़ा हुआ है। शिव नाम तो शिवलिंग से भी जुड़ा है। हाँ लिंग से इसलिए जुड़ा हुआ है कि व्यक्त होने के लिए लिंग चाहिए। और लिंग भी ऐसा चाहिए जो ऑलराउंड पार्टदारी हो। वो ऑलराउंड पार्टदारी एक ही आत्मा है, सब नहीं हो सकती। और बेहद में ज्यूरिस्ट माना कौन होते हैं? बेहद में ज्यूरिस्ट माना कौन होते हैं? फैसला कौन करते हैं कि बाप आ गया? बाबा करते हैं? हैं? अकेला बाबा करने से हो जाएगा काम? दुनिया में भी बड़ा कोर्ट बैठता है तो ट्रिब्यूनल बैठाई जाती है। यहाँ भी कम से कम तीन की कोर्ट है, तीनों ही चाहिए, फिर उससे सारी दुनिया का काम तो संपन्न नहीं हो सकता। जरूर ढेर के ढेर चाहिए। तो वो बाप को पहचानने वाले बाप के बच्चे होंगे या बाहर की दुनिया वाले होंगे? बाप के बच्चे ही हैं। और अष्टदेव के लिए कहा गया कि टूलेट का बोर्ड लग गया है। अष्टदेव के जो आर्ट डिक्लेयर करके टूलेट का बोर्ड लग गया ठीक है बाबा। अष्टदेव आठों ही आत्मा रुद्रमाला से होंगे या चार रुद्रमाला और चार विजयमाला से होंगे?
वो तो पहले ही बता दिया है वेतवाणी में, रुद्रमाला के मणके जब विजय माला में ऐड किए जाते हैं तब संपन्नता है या पहले ही संपन्नता है? ऐड किया जाता है तब संपन्नता है। हाँ, ऐड किए जाते हैं, बाकी डिक्लेयर होने की बात अलग है। तो जहाँ तक डिक्लेयर होने की बात है, वो दो रुद्रमाला के मणके जो डिक्लेयर हो चुके, इससे साबित होता है कि विजय माला के भी दो हैं, मुख्य मणका और उसका विशेष सहयोगी मणका। जो भी हो, लक्ष्मी मुख्य मणका नहीं है विजय माला का, है? अरे जब चंद्रवंशी कन्या ज्ञान के हिसाब से रुद्रमाला के सूर्यवंशियों में ऐड की जाएगी तो चंद्रवंशी ही बनी रहेगी या सूर्यवंशी हो गई? तो सूर्यवंशी उच्च कोटि के नहीं हुए, हो गए। तो 12 जो सूर्यवंशी कहा गए 108 के माला में, उनमें से 4 तो नष्ट देव हैं, अष्ट देव नहीं है, वो विनाशकारी है। फिर उससे पहले की जो हार्ट है उसमें स्थापना करी और पालना करी होगी, तो वो ऐसी आत्माएं हैं जो आस्था रखने वाली हैं, आस्तिक हैं, जो बाप को नहीं पहचानते वो विनाश करेंगे या जो बाप को पहचानते हैं वो विनाश करेंगे? नहीं पहचानते हैं खुदा न खास्ता, इसलिए विनाशकारी है। बारह के ग्रुप में 8 अष्ट देव और 4 नष्ट देव है। हाँ जी, तो 12 का पूरा ग्रुप पहले से रुद्रमाला के मंत्रों में एडवांस नॉलेज लिया हुआ ऐसे 12 है? हाँ जी, जो विजय माला से आ रहे हैं, बल्कि जो नष्ट देव है उन्होंने सबसे पहले एडवांस ज्ञान लिए। लेकिन अधूरा लिया है। जो 12 जो है सूर्यवंशी, ये सारे ही रुद्र माला के पहले से ज्ञान ले रहे 12 मणके हैं, ये अभी विजय माला डिक्लेयर होती जा रही है? वैसे विजय माला से चंद्रवंश से आने वाले मणके दोनों मिला के 12 का मिलता है। 12 24 हो जाते हैं, इसलिए 24 भगवान के अवतार गए हुए हैं। तो 12 जो 24 होते हैं, तो रुद्रमाला में जो 12 है उनमें 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव ऐसे हैं। हाँ जी, तो अष्टदेव जब कहते हैं तो सारे 8 के 8 रुद्रमाला के मणके हैं। सारे के सारे रुद्रमाला के मणके भी हैं, लेकिन वो सिंगल हैं, युगल मणका चाहिए। जो माला भारतवासियों में विशेष मान्यता प्राप्त है वो विजय माला है या रुद्रमाला है? विजय माला विशेष फेरी जाती है, तो युगलों की माला है या सिंगल की माला है? तो 8 अष्टदेव युगल मंत्र, तो 8 और 8 16 हो जाए। हाँ जी, तो जब अष्टदेव की माला कहेंगे तो प्रैक्टिकली 16 आसना है उसमें समझ समय लेनी चाहिए। नहीं, 8 जोड़िया नहीं, जो अष्टदेव हैं वो श्रेष्ठ वाले होंगे या निष्कष्ट वाले होंगे? जो श्रेष्ठ हैं वो सुधर्मियों में श्रेष्ठ कौन कौन है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। फिर उसके बाद विदर्मियों में अव्वल नंबर कौन है? इस्लामी और
बौद्ध जी, अगर राइटियस के रूप में उठाए जाए तो बौद्ध ही और सन्यासी, जहां से गंगा निकलती है और बिना करने वाले बाबा भगवान को जानते नहीं है, हैं? बिना जिनके द्वारा विनाश होता है, हाँ, वो बाप को जानते नहीं है। और पहले पहले बाप को किसने जाना जब एडवांस पार्टी शुरू हुई, फाउंडेशन किसने लगाया बाप की पहचान का? लेकिन विनाश उनके द्वारा फिर बाप करवाते हैं। हाँ जी, यही तो बात है। और बाबा, अर्जुन का और भीष्म पितामह का इतना गहरा संबंध क्यों दिखाया है? अर्जुन का और भीष्म पितामह का, हाँ, बहुत गहरा संबंध दिखाया। हाँ, इसका कारण क्या है यार? बेहद इसका कारण ये है कि जब तक सन्यासी सहयोगी न बने तो अर्जुन भी कुछ भी नहीं कर सकता। सन्यासी सहयोगी अर्जुन का बना या नहीं बना? कौरवों के विनाश में उसने रास्ता न बताया होता भीष्म पितामह ने अर्जुन को, तो क्या कौरवों का विनाश हो पाता? नहीं हो पाता। तो इससे क्या साबित होता है कि पांडवों के पक्ष में ही है ना भीष्म पितामह? अंदर से पक्ष में है लेकिन बाहर से दिखावा मात्र है। क्योंकि सन्यासियों की दिल की चाहना है पवित्र बनने की, रास्ता गलत अपनाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता का पता ही नहीं है। पता भी जानना नहीं चाहते पता है, पता जानना भी नहीं चाहते। अगर चाहते जानना नहीं चाहते तो भटकते क्यों हैं दुनिया में? बिना, हाँ जी, प्योरिटी की इतनी उनको है, भगवान का प्योरिटी मतलब प्योरिटी में हमको मानते है ना, वो मानते हैं तभी तो तुम्हारी जीत होती है। उनके मानने लायक हमको बनना पड़े ना, हम लायक बने हैं ऐसे जो वो हमारी बात माने। बाबा, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों बताया गया? वो भी टीचर के रूप में गीता में ऐसा लिखा है, गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार है, हाँ? टीचर के रूप में ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि उनके जो सिद्धांत हैं वो इतने अच्छे सिद्धांत हैं कि स्वर्ग को भी नहीं मानते हैं, आत्मा को भी नहीं मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते हैं, तो भी आत्मिक स्थिति के आधार पर ऐसे अच्छे सिद्धांत बने हैं बौद्ध धर्म के जो कोई को दुख देने वाले नहीं है। हाँ, प्योरिटी की परिभाषा उनको भी पता नहीं है, इसलिए फेल हो जाते हैं। विष्णु का ही अवतार क्यों बना दिया उनको? विष्णु का क्योंकि बौद्ध धर्म आदि में प्रवृत्ति मार्ग वाला था। जब बौद्ध स्तूप बने, बुद्ध विहार बने, तो उनमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ रहने लग पड़े और व्यभिचार फैल गया, उनका प्रवृत्ति मार्ग नष्ट हो गया। पहले बौद्ध भी प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। भगवान गीता कोई बोल ना सके है,
भगवान बिगर गीता कोई बोल न सके। ठीक है, भगवान के मुख की गीता है, है? भगवान के मुख की गीता है, भगवान के मुख की गीता है, मुख से मुख मुख द्वारा निकली मुख की, हाँ मुख की गीता, शूद्र अथवा असुर गीता को अपना मुख कैसे बना सकेंगे? हाँ श्री श्री रुद्र की गीता है। हाँ बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ तो गीता ज्ञान कहाँ से निकला? हाँ ब्रह्मा के मुख से निकला ना, तो गीता माता हो गई ना। और पहले क्यों नहीं निकला? सन 47 के बाद 46 के बाद ही क्यों निकला? गर्भ भी परिपक्व होने के लिए टाइम चाहिए। तो 10 साल के बाद ही गीता ज्ञान निकला, माता ही निमित्त बनी। जब तक प्रजापिता के द्वारा बीज न डाला जाए, ज्ञान का बीज पड़ा तब ही तो 10 साल के बाद गीता ज्ञान निकला कि पहले निकल आया? पहले बीज पड़ा। यज्ञ के आदि में जो बाप का पार्ट था उसने ब्रह्मा को इशारे भी दिए कि यज्ञ में ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्यादा पनपने नहीं देना चाहिए। क्रिश्चियन लोग कुत्ते पालते हैं, हाँ? और उस तरह के इशारे देने के बावजूद भी ब्रह्मा वाले बात को नहीं माना, तो ये ज्ञान युक्त ही बात थी ना। तो यज्ञ के आदि से भी जो ज्ञान की परिपक्वता नहीं थी लेकिन ज्ञान था, इसीलिए बाप ने डायरेक्शन दिए थे यज्ञ के आदि में। अरे पहले ज्ञान आता है बाद में ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान ही ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ज्ञान को ज्ञानामृत कहेंगे। मुरली में ही बता दिया अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत से फायदा होगा ना, अमृत चाहिए जो मृत्यु पर विजय पा सके। सन 68 तक जो ज्ञान मुक्ति से बाहर आया उसे अमृत कहेंगे? पूरा मंत्र अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे। अमृत तो मक्खन के द्वारा निकलता है, तो वो मंथन हुआ 18 जनवरी सन 69 से लेकर के 76 तक। वो ज्ञान गंगा जटाओं में घुमड़ती रही, बाहर नहीं आई, मंथन चलता रहा। उसके बाद कहेंगे बाहर आई। बोली क्या है कि गीता है तो भगवान भी सामने चाहिए ना? बिल्कुल। तो यदि ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान निकला तो उस समय तो भगवान का स्वरूप नहीं था ना बाबा? तो ब्रह्मा के भगवान जो है वो पिता के रूप में आता है या माता के रूप में भगवान होता है? पिता
बस तो पिता ही तो रचने का ना, तो गीता को भी रचने वाला पिता का स्वरूप होना चाहिए ना बाबा। यज्ञ के आदि में था ना, यज्ञ के आदि में था हाँ। ब्रह्मा के द्वारा जो 45 से मुरली निकला है। माता में बीज जो पड़ गया, बाप किसके अंदर बैठ गया? ज्ञान के बीज के रूप में किसके अंदर बैठ गया? बाप ही तो बैठ गया। बच्चा बाप का प्रतिरूप होता है। जो बच्चे में शक्ति होती है वो शक्ति माता में होती है या बच्चे में ही होती है? बाप बच्चा ज्यादा शक्तिशाली होता है या माता शक्तिशाली होती है? बच्चा शक्तिशाली होता है। इसलिए राजभाग बच्चे को दिया जाता है, माता को नहीं दिया जाता। बाबा ने बोला कि सामने चाहिए, भगवान सामने चाहिए। वो यहाँ 76 के बाद की बात है। गीता ज्ञान की जो बात आती है ना बाबा, गीता ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान अमृत चाहिए। अमृत चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा जो निकली उसको हम वेद शास्त्र कह सकते हैं ना? हाँ जी, वेद कहेंगे। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। यज्ञ के आदि में जो गीता के अर्थ बताए जाते थे वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं बताए जाते थे, वो भी बाप की बात थी। उसको भी गीता ज्ञान कहा जाता है? गीता ज्ञान ही कहेंगे क्योंकि मंथन तो नहीं था। और बाबा, जब बाबा दृष्टि देते हैं है? जब बाबा दृष्टि देते हैं दृष्टि तो बाबा के भ्रुकुटी मध्य में देखना है या आंखों से वाइब्रेशन देना है? आत्मा को देखना है और आत्माएं भी तीन है, हमें किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है न? राम वाली आत्मा याद आए न कृष्ण वाली आत्मा याद आए? कौन याद आए? जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है वो शिव याद आए। और वो शिव जीव आत्मा है उस समय, ये सिर्फ आत्मा है, जीव आत्मा है, इसलिए बाबा है। बुद्धि का कनेक्शन राम से भी कट है, कृष्ण से भी कट है, किससे जुड़ा हुआ है? शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों, आंखों के अंधे। तो कृष्ण वाली आत्मा से ही चिपक जाते हैं, जैसे बेसिक में किससे चिपक गए हैं? बस कृष्ण ही कृष्ण। इसलिए बाबा कहते हैं राधे के पुजारी जिधर देखो राधे ही राधे, कृष्ण के पुजारी जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। बाबा राम कृष्ण से कनेक्शन कष्ट कर दो तो फिर ले लो दुआएं माँ बाप की कहते हो। अरे ये माँ बाप जिसे कहा जाता है वो अर्धन आदि ईश्वर है या राम और कृष्ण है? वो अर्धन आदि ईश्वर का रूप है। शिव बाबा बिना राम कृष्ण के तो है ही नहीं। शिव बाबा जब कहा जाता है तो साकार शरीर में है या बिना साकार शरीर के? शरीर को आत्मा कहेंगे या उसमें आत्मा शिव की प्रवेश है, इसलिए जीवात्मा है। आत्मा है शिव की और शरीर है राम वाली आत्मा का, लेकिन राम वाली आत्मा कंट्रोलर नहीं है उस शरीर रूपी नैया की। कौन कंट्रोलर है? शिव कंट्रोलर है। तो कौन बुद्धि में रहना चाहिए, बिठैया या खिवैया?
अच्छे भैया रहना चाहिए। राम ही रमता है सबके मनों में, तो राम ही राम, वो निराकार राम है। निराकारी स्टेज वाला जब हो जाए तो राम ही भगवान हो गया। अभी है, अभी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता रहता है। सहज याद है, नारायण को याद करना है, नारायण को याद करना सहज है, नारायण को याद करना सहज, नारायण को याद करना सहज है। नारायण का अर्थ क्या हुआ? अर्थमेटिक हो, जिसका घर ज्ञान जल में ही है, ज्ञान जल से बाहर कभी होता ही नहीं, क्षीर सागर में पड़ा हुआ है। अगर ऐसी स्टेज वाले को याद करते हैं तो याद करना बड़ा सहज है। बुद्धि में बार बार क्या आ जाता है? अरे ये क्षीर सागर में नहीं पड़ा है, ये तो विषय सागर में पड़ा हुआ। बस हो गया सत्यानाश। बाबा नारायण को भी रचयिता कहेंगे है? नारायण को भी स्वर्ग का रचयिता कहेंगे? नारायण को स्वर्ग का रचयिता कहेंगे ना? स्वर्ग का रचयिता कहेंगे वो, नारायण को भी स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। नारायण को नहीं, नारायण को तो बनाने वाला है शिव, स्वर्ग का रचयिता। नारायण को स्वस्थिति में स्थिर करने वाला कौन है? शिव है। तो नारायण क्या रचयिता हुआ? बाबा लक्ष्मीनारायण के चित्र समझाते हैं, जभी तो यही समझाते हैं क्या, जो लक्ष्मीनारायण है यही स्वर्ग के रचयिता है। हाँ स्वर्ग के, उनके ऊपर कौन बैठे हुए हैं? वो ही रचयिता है, वो भूल गए, वो उड़ा दिया। हाँ उड़ा तो दिया, अभी तो उड़ा दिया तुमने। जिनके मन बुद्धि में है, जिनके मन बुद्धि में लक्ष्मी नारायण सके हो गए, हाँ तो उनको रचयिता ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं, उनको ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं, वो नारायण को ही देखेंगे। हाँ जिनकी बुद्धि में बच्चा बैठा हुआ है कृष्ण बच्चा, उनको उनका बाप देखने की जरूरत ही नहीं। नारायण को जो बुद्धि में बिठा लिया, जो चैतन्य सागर में अभी सामने बैठा हुआ है, नारायण है ही नहीं अभी, जो चीज है ही नहीं उसको हाँ कैसे कर दे। नारायण माने संपन्न स्टेज, विष्णु की स्टेज, अभी तो विष्णु प्रत्यक्ष भी नहीं है, रंगमंच पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखे कहाँ से। अभी प्रैक्टिकल पार्ट है, ज्ञान का प्रैक्टिकल दिखाई देता है। अरे दिखाई देता है, जब प्रैक्टिकल दिखाई देगा उसके लिए बोला है व्यक्तवाणी में, जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकले हमारा बाप आ गया। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो ये गीता किस से निकला है? वो जो वेद है ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो तो गीता नहीं कहेंगे उसको, तो वेद कहेंगे। तो आदि प्रजापिता के द्वारा जो निकला वो ज्ञान, वेद पहले निकले कि गीता पहले निकली? प्रजापिता के द्वारा तो गीता ज्ञान निकला। प्रजापिता ने जब सुनाया तो पहले ब्रह्मा ने सुना या गीता ने सुना? सुना किसने? गीता ने सुना। उनमें भी एक सच्ची गीता निकली और एक झूठी गीता हो गई। सच्ची गीता को प्रैक्टिकल कहेंगे या झूठी को प्रैक्टिकल कहेंगे? सच्ची गीता को प्रैक्टिकल कहेंगे। लेकिन बाबा जिस गीता ने पहले सुनी वो सुनना बात अलग,
और समझ करके दूसरों को समझाना बात अलग, और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाना भी बात अलग। वो गीता कौन सी है जो सुनती भी है, समझती भी है, फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाती है, तो वो कौन है? वैष्णवी। लेकिन बाबा वो गीता तो अब निकली ही नहीं है, वो तो सामने आई ही नहीं, तो गीता यज्ञ के आदि में थी या नहीं थी? वो तो गुप्त रूप, गुप्त रूप में थी। उसका प्रैक्टिकल रूप तुम्हारे सामने आया या नहीं आया? आया। कौन आया? अरे सहनशीलता का गुणराज तुम्हारे सामने आया या नहीं आया? कौन आया? है ब्रह्मा बाबा आया, वही गीता का बच्चा हो गया। ब्रह्मा बाबा के लिए ये भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा को आज फेल हुआ है, कि वो सहन नहीं कर पाए, इसके लिए उनको आज फेल हुआ, तो उनके सहन आज फेल हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं हुई आज की दुनिया में। आज फेल न हो और ज्ञान को संपूर्ण रूप से धारण कर ले, पक्का योगी बन जाए, तो इसी दुनिया में नारायण बन जाए ना। तो सहनशीलता की पराकाष्ठा तो नहीं हुई वहाँ पर? सहनशीलता की पराकाष्ठा नहीं हुई, इसीलिए तो सत्युग में जाके जन्म लेना पड़ा, नहीं तो भगवान बाप से डायरेक्ट लेता ना। भगवान बाप से डायरेक्ट लेता है या देवात्मा से लेता है? देवात्मा से लेता है। इन्हीं की स्टेज हो गई। और जो गीता ज्ञान सुनाने की बात है, पूजा पिता ब्रह्मा के द्वारा ही जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वही गीता ज्ञान कहेंगे ना? बाबा उनके द्वारा जो कृष्ण की रचना, पूजा पिता ने तो बीज डाला आदि की बात नहीं बाबा। हाँ जी, बीज फिर बड़ा रूप धारण करता है किसके द्वारा? पूजा पिता ब्रह्मा के। नहीं, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान चला उसको तो किसी ने समझा ही नहीं, उसी को गीता कहेंगे। वो गीता इसीलिए गीता है, ज्ञानामृत नहीं है जो देवता बनाए। अमृत पी करके देवता बनेंगे या सिर्फ ज्ञान सुन करके देवता बनेंगे? अमृत चाहिए। अमृत अपनी घोट तो नशा चढ़े। हरेक को अपना अपना मंथन करना है। हरेक आत्मा अपने बारे में जितना जानेगी इतना दूसरा कोई नहीं जाना, या बाप जाने या आत्मा बच्चा जाने। और बाबा जी, जो गीता और गीता का ज्ञान साबित करने वाली जो बात आ रही है, गीता तो अभी सामने आई नहीं है। गीता सामने नहीं आई? ये मुरलियां गीता नहीं है, क्या है वो? तो ज्ञान है बाबा। गीता ज्ञान ही तो मुरली है, उसी को तो मुरली कहा जाता है, बड़ी मीठी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। जब बेसिक ज्ञान में चलते थे तब प्यारी नहीं लगती थी? तब भी प्यारी लगती थी। समझते नहीं थे तो भी प्यारी लगती थी। उसी को तो मुरली की तान कहा गया है। भाई इसी दुविधा में अभी तक भी है हम लोग, ब्रह्मा हम लोग क्यों कहते हो? अपने को कहो बाबा। हम कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो निकला वो वेद है। हाँ, वेद है। वेद माने ज्ञान, वेद माने जानना। बाबा ज्ञान तो जब हुआ, जब बाबा के द्वारा जो क्लियर किया जाए। वेद है, वेद है जानकारी, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बीके के पास क्या वेद नहीं है? उनमें अच्छाई भी बुरी भरी हुई है और बुराई भी भरी हुई है। और गीता जो है वो भगवान के मुख के द्वारा निकला है, तो ब्रह्मा को हम भगवान कैसे कहेंगे? बताया तो यज्ञ के आदि में भगवान कौन था साकार में? प्रजापिता था। उसके मुख से निकली, उसके मुख से जब बात निकली तब ही तो कृष्ण की आत्मा को निश्चय हुआ कि मैं कृष्ण की सोल हूँ। ऐसे कैसे निश्चय हो गया? हाँ,
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बेटा, एक राम तो जगत पथारा, एक राम जो जगत के न्यारा। चार ये हिस्ट्री किसने बनाई? संगमित्र में बनाई। किसने बनाई ये बेटा केटा? ये हिस्ट्री किसने बनाई? मनुष्यों ने बनाई या शिव बाबा ने बताई? अरे किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। छोड़ो मारो गोली। आखिर इतना राम का गायन क्यों आया? गायन मृत्यु भी होते तभी राम का, राम नाम ही सत्य बोलते हैं। राम नाम इसलिए सत्य बोलते हैं कि राम वाली आत्मा ही बीज है सारी सृष्टि का। जो बीज है उसका कभी विनाश नहीं होता है। जिसका विनाश नहीं होता है ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सते। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है, और जो कभी नहीं नाश होता है वही गॉड इज ट्रुथ, वही गॉड का प्रैक्टिकल रूप है। इसलिए राम वाली आत्मा को अंत समय में दुनिया जानती है। तो भक्ति मार्ग में जब अंत समय आता है तो चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है, जानते नहीं है कि अब अर्थी उठ रही है, अब कैसे सत्य है। अब की बात थोड़ा ही है, ये तो सारी सृष्टि की अर्थी जब उठती है उस समय सारी दुनिया को पता चलता है कि राम वाली आत्मा कौन है, और वो ही एक सत्य है, और बाकी सब धोखेबाज है। बाबा राम वाली आत्मा ही तो गीता हुई, वही तो सत्य है। वो बाप है, जिसको बाप है तुम उसको गीता माता बना रहे हो। कोई बच्चे को गीता माता बना रहे हैं, कोई बाप को गीता माता बना रहे हैं, खोपड़ी कैसी हो रही? क्या खाया है? राम भी तो दो है ना बाबा, एक निराकार राम एक साकार राम। तुम्हें कौन सा चाहिए? तुम्हारी आत्मा किससे चिपकना चाहती है? माता पिता तो दोनों चाहिए ना बाबा। अरे माना जो साकार है वो माता है, जो निराकार है वो पिता है, ऐसे है? है दोनों बाप है कि स्टेज की बात नहीं, ये स्टेज की बात है। निराकारी स्टेज है तो बाप है, और साकारी स्टेज है तो माता है। बाबा अगर अपना एडवांस का कोई भाई है तो बहुत सेवा करता था। है बहुत सेवा करता था, बहुत सेवा करता है, करता था, और उसने रास्ते में गिर के शरीर छोड़ा, तो ऐसा क्यों? फिर अगर बाबा का बच्चा है, अरे माने बाबा का बनते हैं तो रास्ते में गिर के शरीर नहीं छोड़ना है, ये बाप के बच्चे की पहचान है। भगवान बाप का बच्चा अगर रास्ते में गिर के शरीर छोड़ जाए और वो हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ दे तो भगवान का बच्चा कैसे हो सकता है? वाह, भगवान 21 जन्मों की भविष्य की प्राप्ति कराने आता है, आत्मा की प्राप्ति कराने आता है या देह की प्राप्ति कराने आता है? देह तो इस जन्म में प्राप्त होती है, इसका कनेक्शन 63 जन्मों से है, 63 जन्मों का हिसाब किताब इस अंतिम देह को भोगना पड़ेगा। आत्मा की प्राप्ति कराने के लिए शिव बाबा आया है या ये वर्तमान देह की प्राप्ति कराने के लिए आया है? काहे के लिए आया है? आत्मा की प्राप्ति कराने के लिए आया है। लेकिन उसका संकल्प तो यही था ना, है इसी शरीर द्वारा मैं अंदर से आया, तो अगले जन्म में बनेगा, अपने ही शरीर के द्वारा बनेगा। अगर एडवांस में कोई आत्मा चलती है, खुदान खास्ता इस जन्म में शरीर छूट जाता है, तो जो बाप का विरोध है वो इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो कहाँ पूरा होगा? अगले जन्म में पूरा होगा। मतलब उसका वो सजा है क्या? वो धोखेबाज था इसलिए उसको ऐसी सजा मिली है? कौन धोखेबाज था? जो भी था जिसने शरीर छोड़ा। अरे धोखेबाज तो सारी दुनिया है, असंख्य चोर हरामखोर। तो
लेसर जन्मों में अच्छा ही अच्छा हिसाब किताब किसका है। जिसका हिसाब किताब अच्छा ही अच्छा है वो आज सृष्टि के आदि में भी विष्णु और अंत में भी विष्णु। अहमद में शरीर छोड़ने वालों की संख्या कम है। अहमद में शरीर छोड़ने वालों की संख्या कम है। काहे से शरीर छोड़ना? अहमद में तो ज्ञान में चल रहा है। बेसिक के मुकाबले एडवांस में शरीर छोड़ने वालों की संख्या अभी इसलिए कम है क्योंकि अभी साकार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है एडवांस वालों को। फिर भी नहीं तो एडवांस में तो ऐसे ऐसे बीज हैं, दुनिया के बड़े पापात्मा देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो यहाँ से देखो। अभी तो बात उजागर नहीं हुई है। एडवांस में जैसे बेसिक में उजागर हुई थी, बेसिक में रावण राज्य कब से शुरू हुआ कहेंगे? है जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, साकार गुप्त हो गया तो रावण राज्य की शुरुआत हो गई। ऐसे ही यहां भी है, जब तक एडवांस की दुनिया में लुक को छुप को दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, कभी दिखाई देता है कभी दिखाई नहीं देता है, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि। हाँ, ये 2018 के पहले हुआ कि 18 के बाद? ये जो एडवांस वाले शरीर छोड़ेंगे जब आप सुस्त हो जाएंगे तो ये 18 के बाद हुआ कि 18 के पहले? ये तो ज्योतिषियों से पूछो कब होगा। तो 2018 में होगा तो नंबर दे के तो एडवांस वाले उससे पहले से शरीर छोड़ देंगे? उससे अभी नहीं छोड़ रहे हैं क्या? और अभी भी छोड़ रहे हैं और नीचे में भी आ रहे हैं, बाबा ने बोला हुआ। नीचे में भी आ रहे हैं और दुनिया की गीता में एक सर्वव्यापी का भी श्लोक है। और क्या श्लोक है सर्वव्यापी का बताओ जरा? पूरे संस्कृत में है, मैं घी में हूँ, काली में हूँ, दूध में हूँ, सर्व संस्कृत में हूँ। है श्लोक है? कौन सा श्लोक है? वो श्लोक पढ़ के सुनाओ। तुमने हिंदी का दूसरों का किया हुआ व्याख्या उसके अनुवाद बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो श्लोक का अर्थ दूसरा है। दूसरों की सुनाई हुई चीज क्यों सुनते हो? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों का सत्यानाश हो गया। गीता में कोई श्लोक ऐसा नहीं है जिससे ये साबित हो कि भगवान सर्वव्यापी है। ढेर के ढेर श्लोक ऐसे हैं कि सर्वव्यापी नहीं है, एक ही व्यापी है। उन्होंने विभू का शब्द का अर्थ लगा लिया सर्वव्यापी से। वे माने विशेष, भू माने होने वाला, विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने वाला, उसको कहते हैं विभू। वो एक व्यापी होगा तब विशेष रूप से प्रत्यक्ष होगा या सबके द्वारा प्रत्यक्ष होगा? ये उल्टे उल्टे अर्थ लगाए हैं। बाबा ये स्टिकर की जो सेवा है तो लोगों की बुद्धि में स्टिकर कभी स्टिक होंगे, इसके लिए क्या विशेष सेवा करनी चाहिए? लोगों की बुद्धि में समझाने से बुद्धि में बैठेगा तो कागज ही चिपकाते रहेंगे, तो कागज चिपकाने से कुछ थोड़ा ही होगा। हर एक जो भी अपने संसर्ग संपर्क में आते हैं उन सबसे यही चिट चैट यानी यही बातें तो बताती रहनी है। समझाना है और पहले खुद समझना है।
पहले खुद बात की गहराई में जाना है और गहराई में दूसरी आत्माओं को ले जाना है। अब लेकिन उसके लिए लोगों के पास टाइम नहीं रहता है कि टाइम नहीं रहता है तो नरक में जाने का टाइम है तो जाओ। और इंडिविजुअल सेवा करनी है ना, हर एक को एक एक करके हुई, या फिर स्कूल में कोई लेक्चर हो रहा है वैसे ही एक लेक्चर में अपन लेक्चर अटेंड करके बता दिया कि भाई परमात्मा सर अभी नहीं है ऐसा कुछ है। जो मनन चिंतनशील होते हैं वो अकेले में बैठ करके समझते हैं या हुजूम में बैठ के पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाबा जो तीखी बुद्धि वाले रहते हैं वो अगर हुजूम में भी जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा ग्रास्पिंग का पावर अलग अलग रहता है, वैसे अगर हुजूम में पढ़ेंगे तो कुछ फायदा होगा? क्या फायदा होता है? नहीं, जो अपने कुल का रहेगा वो एक बात सुन के ही तुरंत आ जाएगा ऐसा बाबा ने मुझे बोला है। वो दुनियावी ज्ञान की बात है, लेकिन आत्म ज्ञान जो है वो हर आत्मा के अंदर अलग अलग संस्कार हैं या एक जैसे संस्कार हैं? तो हर आत्मा के संस्कारों के अनुसार उनके प्रश्न अलग अलग होंगे, जिज्ञासाएं अलग अलग होंगी या एक जैसी भी जिज्ञासाएं होंगी? तो अकेले ही बैठ करके समझाना चाहिए। इसलिए राजाएं निकालने में ज्यादा मेहनत है या प्रजा निकालने में ज्यादा मेहनत है? राजाएं निकालने का काम बेसिक में नहीं हुआ, अभी एडवांस में तो राजाएं निकलने वाले हैं जो दुनिया को चेंज करने के निमित्त बनेंगे। कौन सा ऐसा ज्ञान का तीर मारे? हाँ, आत्मा का तीर मान दो कि हम ये आत्मा हैं। ऐसे तो परमात्मा तीर मारो तो सबसे बड़ा तीर है, बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। चलो परमात्मा की प्रत्यक्षता बाद में, पहले अपनी आत्मा की प्रत्यक्षता कर दो। हम ये देवता हम बनने वाले हैं, इसका प्रूफ ये है। तुम बिना प्रूफ प्रमाण के तो कोई मानेगा नहीं, तो जरूर मानेंगे लोग। अब उसमें परमात्मा की प्रत्यक्षता करना थोड़ा आसान है ना, खुद की तो खुद के लिए तो पीछे हट जाते हैं। हाँ, परमात्मा की प्रत्यक्षता प्रूफ और प्रमाण सभी जगह से मिल जाते हैं अपने को, प्रूफ और प्रमाण। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता कर दी आसान है बाबा? ये आसान इसलिए है कि बाप की प्रत्यक्षता किए बगैर बच्चा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। फादर सोल सन, और ये बाप का ही काम है क्या? बच्चों के पार्ट की प्रत्यक्षता करना ये किसका काम है? बाप का काम है। इसलिए कहा जाता है फादर सो सन्स, फिर सन सो फादर। शिखर की सेवा हो रही है, इसका फायदा क्या है? शिखर की सेवा चल रही है तो इसका क्या क्या रिजल्ट है? कोई रिजल्ट नहीं, रिजल्ट चल रहा है। सही भी किए ताकि कोर्स भी किए निकल फिर फायदा क्या हुआ? पहले कोर्स नहीं करते थे क्या? पहले भी तो कोर्स करते थे, पहले तो अपने माथे पर स्टीकर चिपका लें। हाँ, तो वो एडवांस के पॉइंट बुद्धि में चलने चाहिए ना। लेकिन वो पढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे तो चलेंगे, किसने मना किया मत पढ़ो? बाबा आपका पार्ट बाबा बताएंगे मुरली में? अभय सवाणी में क्या बोला कि बाप दादा एक एक बच्चे का पार्ट बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे, हर एक बच्चा
अपने आप ही बाप के इशारों के आधार पर अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा। और आदि करते थे तभी वो जो आत्मा शरीर छोड़ती वो ब्राह्मण में आती थी। हाँ, भोजन स्वीकार करती थी। हाँ, तो मतलब वो आत्मा बरकाया प्रवेश करती थी क्या? क्योंकि उसने पहले वो आह्वान करने वाले भी सतो प्रधान थे, जिनमें आत्मा का आह्वान किया जाता था वो भी शास्त्र की स्टेज में थे। अब आह्वान करने वालों में भी उतनी श्रद्धा भावना भक्ति नहीं है, और जिनमें आह्वान किया जाता है उनमें भी इतनी श्रद्धा भावना भक्ति नहीं है। आत्मा ने अगर शरीर लिया होगा हाँ, तो वो उसने प्रवेश करी, मतलब बरकाया प्रवेश करती थी क्या? ब्राह्मणों में आती थी तो? हाँ आती थी, तो अपना शरीर छोड़ के आती थी ना? शरीर छोड़ के थोड़े ही, ये तो सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। छोटा बच्चा है, अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, उसको कोई रुलाता है या हंसाने वाला तो नहीं होता है, स्वतः ही हंसता रहता है। ये इसका सूक्ष्म शरीर कार्य करता है दूसरी जगह, दूसरी दुनिया को देख करके सुन करके और हंसता है रोता है। वो दूर की दुनिया में अपनी आत्मा को ले गया,